तो भाई आज है फर्स्ट डे इस बाइक के लिए एंड आज इसका काम शुरू करने वाले हैं। तो ये बाइक मैं आपको बता दूं कि चली बहुत कम है, 3500 चली हुई है। इसे अगर आपको परफेक्ट बनानी है ना तो आपको नियर अबाउट मुझे लगता है 50-60,000 तो चाहिए चाहिए, बिकॉज उसके टायर से लेकर चेसी से लेकर लाइट्स हर एक चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, ऑल्ट्रेशंस होती हैं, तो बाकी डिपेंड करता है बाइक पर। तो इसको अभी कैफे रेसर में बनाएंगे लेकिन कुछ अलग से कंसेप्ट में, जो कि मुझे लगता नहीं अभी तक किसने बनाया होगा। तो गाइस हमने लाइट खोल दी, अभी आगे का सोचते हैं क्या करना है। इसका एंगल भी निकाल के देखते हैं, निकालना नहीं है या निकालना है देखते हैं यार। अभी जो इसका एंगल है ना वो ये वाला है, इसमें लाइट लगेगी नहीं लगेगी ये सोचना पड़ेगा। लग तो जाएगी, लगा देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो लेकिन मेरे माइंड में कंसेप्ट है वो अगर मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मुझे इसका एंगल चाहिए होगा, क्योंकि मैं साइड ना यहाँ से थोड़ा कवर करूँगा, एक थोड़ा यूनिक कैफे रेसर में भी सारा जो सामान है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लाइक हमने जो फ्रंट मड गार्ड है खोल दिया, इनर कवर खोल दिया हुआ, वाइजर खोल दिया हुआ, पीछे टेल पैनल खोल दिया, साइड पैनल्स, सैरी गार्ड, हैंडल ग्रैब बार एंड इंडिकेटर्स हैं, टेल टाइडी है एंड नंबर प्लेट है। तो अभी यहाँ पे जो बाइक आ रही है ना वो ऐसे दिख रही है बॉडी पूरी निकालने के बाद, तो देख सकते हो सामने। जैसे हम बाइक अभी बंद करने वाले हैं, बंद करेंगे देन मैं देखता हूँ पास के जो वेल्डिंग वाले हैं या फिर जो कटिंग वाले हैं उनके हाथ में, मेरे एंड से तो पूरी कोशिश है। बाकी मैं थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे रखूँगा वेल्डिंग कटिंग सब कुछ, छोटा मोटा सेटअप अपना यहाँ पे बन जाएगा, तो ये मेरे को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस भाई सब कल एक और सीन हो गया, एक गब्बर ने क्या सीन किया वो मैं बताता हूँ। गब्बर तुमने क्या सीन किया बताना ज़रा। बाइक लेके जा रहे थे, बाइक गिर गए थे। हाँ बाइक मेरे को बोलता स्लिप हो गई है, स्लिप हो गई है और भाई साहब ने शीशा तोड़ दिया, जो कि हमने कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होता है हम बता देते हैं। बाकी अभी यार कल एक और वो तो हुआ, उसने तोड़ा एक और जो बाहर हमारी बड़े टाइम से, यार जो ये कस्टमर है ना मेरा फ़ोन वो रिप्लाई नहीं करता है मेरी चीज़ का, पता नहीं क्यों। 3 महीने से बाइक खड़ी है, इसको रेंट तो मैं ज़रूर लगाऊंगा जो इसने पार्क की है, बट स्टिल मैंने इसको लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई कुछ भी अगर बाइक को नुकसान वेयर टेयर होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। और कल ऐसा हुआ, मैं फुटेज डाल दूँगा, आप चेक करना यार किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी। कल ये सीन हुआ यार, कल ये बाइक हम अंदर कर रहे थे और मैं, मुझे आदत है बाइक खुली रखने की, तो मैंने इसको ओपन लॉक रखा हुआ था। तो जैसे ही मैं उस आइडिया से बाइक वहाँ पे खड़ी थी वहाँ से टर्न कर रहा था अंदर के लिए, तो जब मैं उसको टर्न पे मैंने यहाँ तक ले आया, जब मेरे को सीधा करना था वहाँ पे सीधा करने का टाइम वो सीधा नहीं हुआ और बाइक थी थोड़ी प्रेशर में, उस वजह से देखो साथ में क्या हुआ। तो कस्टमर को बोलता हूँ भाई कल को कुछ भी होगा इस बाइक को, कुछ भी होगा छोटा छोटे से लेकर बड़ा, वो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा कब से बाइक रेडी करके रखी है, 3 मंथ्स हो गए हैं। अगर स्टिल अगर अभी भी मेरी जगह कोई और होता तो शायद से इसको सेल भी कर देता। तो अब जो भी करना है भाई आप बताना इस बाइक का, ठीक है। हम पे फाइनली अब भैया ने हाँ कर दिया, पहले हम इसका पीछे वाला चेसी जो है ना उसको सीधा कराएंगे, सीधा कराने के बाद फिर इसका शॉकर की पोजिशन चेंज करेंगे, अभी गर्म करके इसको सीधा करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना होता है। भाई एक हो गया हमारा सीधा, देख सकते हो यहाँ से ही कराने का, एक सीधा दूसरा भी करने वाले हैं स्ट्रेट बिल्कुल, फिर देखते हैं क्या बनता है। भाई फाइनली देखो पोजीशन क्या चेंज हो गई हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट आ गई है, पहले जैसे थोड़ा ऊपर कर्व में था ना इसे, अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मैं जो जादू होने वाला ना वो बताऊंगा। फाइनली हम पहुंच गए शॉप पे एंड चेक कर सकते हो कितना भाई पोजीशन चेंज आई है यहाँ पे, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट हो गया। अभी मेरे को पीछे से देखने में फीलिंग पता कौन सी आ रही है, जो सीबी आ रहा है ना होंडा की वैसी वाली फीलिंग आ रही है, और मेरे को अच्छी लग रही है, नो डाउट लगाऊंगा। एंड मैंने कैफे रेसर में आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने कैफे रेसर में ये वाली लाइट लगाई होगी, आप बताओ कितनी प्यारी लग रही है। अगर ये ऐसी लग जाएगी दिखाता हूँ मैं आपको, तो कैसी लगेगी आपको बताओ। बाकी एक बार कस्टमर से फाइनल लुक ले लेंगे, लुक आने वाली है कैफे रेसर में भी भाई, तो ये मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई हेडलाइट मंगवाने की ज़रूरत है, तो ये हेडलाइट हम मैं चाहता हूँ कि यही यूज़ करें, क्योंकि एक अलग ही लुक दे रही है, एक मॉन्स्टर लुक दे रही है ऊपर से, जो पीछे से जो लुक बनेगी इसकी आप देख सकते हो यहाँ से। तो अभी भाई जितना मेरा आज का टाइम देख रहे हो 5 बज गए एंड आज के मैं जो जो कंप्लीट हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने स्टॉक लाइट की है, तो ऊपर से क्लेम काटे मैंने, कुछ बहुत सारी चीज़ें की आज, ऑलमोस्ट मुझे लगता है पूरा दिन आज मेरा इसके साथ ही था। तो अभी हमने इसको चिपका दी हो अच्छे से और लुक देखो फ्रंट से कैसे आने वाली है, बाकी मैं फ़ोटोज़ में शेयर करूँगा अच्छे से। एंड ठीक है यहाँ पर मैंने इसकी जो फिटिंग थी वो मैंने वापस खोल के फिट कर दी है, बाकी इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक साइड पे माउंट करेंगे कुछ जैसे हिमालयन जैसा होता है, एंड सेम इस साइड पे ऐसा होगा, या फिर इसको शेप देंगे यहाँ से ऐसा कर्व में, एंड देखते हैं क्या बनने वाला है आगे। तो यहाँ पे मिरर्स का भी कंसेप्ट अभी लास्ट में, एंड एग्जॉस्ट अभी जब आएगा तब करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या चेंज आया, इसमें बड़ा जुगाड़ हुआ भाई, इसमें यहाँ से हमने वेल्डिंग नहीं सॉरी इसको हीट करके इसको बेंड किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसका डाउन करने के बाद एंगल ख़राब हो गया था यहाँ का, वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने वो भी सेट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लैंप लगा के इसको एक्सटेंड किया यहाँ पे लॉक को, देख रहे हो
इसकी पोजीशन होगी डाउन। अब इसको सिंगल शीट में करेंगे यहाँ तक या देखते हैं कहाँ तक, और उसके बाद देखते हैं और क्या ऑल्टरेशन करने वाली है। सो गाइस फाइनली अभी तक जितना भी रेडी हुआ वो आपके सामने, आप बताओ क्या लुक आ रही है कैसी नहीं आ रही। तो ये पार्ट टू है एंड आप बताना हर वीडियो आते रहिए साथ साथ क्या क्या काम हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होने वाला है, जो चीज़ पहले आएगी पहले रेडी होगी। इंडिकेटर बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे को अपनी तरफ से, बाकी आप बताओ कैसी लुक आ रही है। अभी इंडिकेटर्स ऑन है तो ऐसा कुछ फील आएगा, जब इसको ऑफ करेंगे तो ये देख रहे हो सिंपल एक DRL दिखेगा आपको यार, बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसा कुछ लुक आएगी। ठीक है, तो फ्रंट में भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो अभी भी उसमें कुछ और चेंजेस होने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ये एक ट्रैम की एक बाइक है, थोड़ी वैसी भी थोड़ी बहुत फीलिंग आने वाली है इसमें। ठीक है, तो अभी मैंने सीन ये किया, अभी मैंने एक ना गत्ते की थोड़ा एक सैंपल बना रहा हूँ, फिर बाद में कटिंग करा के वैसा बनवाऊँगा, देखता हूँ। क्योंकि जम्मू मैंने एक दो बंदों को अप्रोच किया और किसी के एंड से कोई है नहीं है, तो अभी जितना है तो देखते हैं मैं क्या करते हैं। पहले गत्ते से मैं शेप बनाऊँगा, उसके बाद इसका डिज़ाइनिंग करवाऊँगा, फिर देखते हैं क्या लुक बनता है। इसको पेंट करके चेक भी कर लेंगे क्या आती है लुक, तो बाकी देखते हैं क्या आने वाले लुक। इसको रेड पेंट मारूँगा हल्का हल्का थोड़ा लुक देने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। सो भाई अभी एक सैंपल बनाया जो गत्ते का, उसको पेंट किया रेड, उसके बाद मैच करते हैं देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट। और अभी जो लुक आ रही है आप चेक कर सकते हो यार, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें लुक कितनी प्यारी नहीं आ रही थी। तो अभी ये जो पार्ट है ना इसको भी रेड में करेंगे एंड फिर देखते हैं। चेसी का है देखते हैं, अभी वो सोचते हैं कि कस्टमर बोल रहे हैं कि मैं सोचूंगा कि काटना है नहीं काटना, तो कल शाम को हमारी कुछ बात हुई है, तो अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई बाइक अभी तक आज का जो काम है ना वो हो गया हुआ है, सामने आप देख सकते हो। अभी जो हमने चेंजेस किए ना वो मैं बताऊं, एक साइड पे किया यहाँ पे हमने रेड पेंट किया जो इसकी साइड की चेसी थी, एंड जो पीछे चेसी है वो देख सकते हो आप बिल्कुल रेड में होगी हुई है। एंड लुक बताओ कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। एंड यहाँ पर देख रहे हो ना ये भी मैंने ब्लैक से रेड में कन्वर्ट किया एंड यहाँ पर, एंड अभी कुछ और मॉडिफिकेशन आने वाली है, लेट्स सी क्या होने वाला फाइनल, जब फाइनल होगा आपको पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको मैं लुक दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इस साइड पे अभी मैंने यहाँ पे पेंट नहीं किया हुआ, बाकी जैसी करती हुई है। गाइस आज का सीन ये है कि आज थर्ड डे था, तो आज हमने सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया है। ये हमने फुटरेस से यहाँ पे इंस्टॉल किए जो कि आप थंडरबर्ड बोल सकते हैं, थंडरबर्ड का है। एंड इसमें कुछ जुगाड़ किए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, पास से दिखा देता हूँ। तो ये क्लैंप हमने वही रहने दिया, इसका होल बड़ा करके ये फुटरेस फिट किया है। अभी तक का जो मॉडिफिकेशन अभी यही है, यही सेम फुटरेस हम पीछे रेयर में फिट करेंगे एंड पीछे से कवर करना है। अभी फ्रंट का ना बेसिकली कस्टमर का फाइनल नहीं हो रहा कि इसे हेडलाइट के साथ चाहिए या फिर कैफे रेसर, तो अभी ये फाइनल कर रहे हैं एंड उन्होंने कुछ एक दो चीज़ें मुझे भेजी हैं। जैसे ही वो फाइनल होगा फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक के साथ फाइनली क्या होने वाला है। तो वीडियो और हर एक पार्ट देखते रहेगा, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर और कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे फुटरेस हमने लगा दिए और जो लुक आ रही है वो अलग ही आने वाली है, तो आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, आप चेक करें। सो ये कुछ वाइड एंगल में लुक है, आप देख सकते हैं यहाँ वाली साइड मैंने प्रॉपर रेडी कर दी हुई है। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड पीछे से लुक अभी आ रही है ना, अभी बहुत सही आ रही है। अगर हम इसको पोजीशन देखेंगे यहाँ पे लाइट लगाएंगे लास्ट में एंड इसको हम फिल कर देंगे ताकि यहाँ से कोई वायरिंग नहीं दिखेगी। तो आई होप गाइस ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।